तो दोस्त आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कंपनी के अंदर, फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी के अंदर कोई एबीसी कंपनी है, वहाँ पे आप जॉब कर रहे हो और उस कंपनी में ही रह के आपको सैलरी बढ़वाना है तो क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट फिगर की मैं बात करता हूँ इस पे आज। तो दोस्त, मेरे दोस्त, मैं बता दूँ, जब भी आप किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो सबसे पहले उसका क्राइटेरिया होता है कि कंपनी की ग्रोथ होनी चाहिए। कंपनी की ग्रोथ, मैंने कंपनीज़ के बारे में बहुत वीडियोस बनाए हैं, जिस कंपनी में आप काम करते हो ना, तो उस कंपनी को चाहिए ग्रोथ। उस ग्रोथ से आपकी सैलरी का परसेंटेज बढ़ेगा, मतलब कि आपकी सैलरी का 10%, 15%, 20% आपको मिलेगा और आपको आपकी सैलरी वहाँ पे बढ़ेगी जब कंपनी ग्रोथ पे जाती है। तो सैलरी बढ़ाने का इंसाइड ऑर्गेनाइजेशन फ़िलहाल में सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन को आप 100% दो। जो भी काम आपको दिया जा रहा है, जो भी आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, उसको आप 100% करो। मैं ये नहीं कहता कि अगर आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है तो आप 10 घंटे करते रहो, 12 घंटे करते रहो, नहीं, ये ओवर टाइम है और इतना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में रुकता नहीं। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि रुकना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है, 9 घंटे की शिफ्ट है, तो जो वो 8 से 9 घंटे ना, उतनी देर तक अपना काम ना बहुत ईमानदारी से करो, बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में। क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हो ना, 1, 2, 4, 5, 10 और 100, 1000, जब वो सारे लोग जब एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं ना, तो डेफिनेटली सी बात है कंपनी ग्रोथ करती है। और जब कंपनी ग्रोथ करती है तो आपकी सैलरी 100% बढ़ती, जो पर ईयर अप्रेजल होता है। एंड सेकेंडली दोस्तों, एक जो अपना एक्सपीरियंस होता है और अपना जो नॉलेज होता है, तो वो आपका भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में रह के आपने अभी तक के 1 साल या 2 साल के करियर में क्या क्या सीखा। जब आप काम करते हो ना, तो आपका जो टीम लीडर होता है, जो मैनेजर होता है, उसकी नज़र में आते हो कि नहीं, ये बंदा बहुत अच्छे से काम करता है। और आपकी सैलरी बढ़ाने में ना 50% हाथ आपके मैनेजर का और लीड का भी होता है। ऐसा नहीं कि 100% हाथ उन्हीं के ऊपर होता है, ऐसा नहीं है। कंपनी अगर ग्रोथ करती है तो सैलरी सबकी बढ़ती है। तो दोस्त, फाइनली यही है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, एक मेहनत से, लगन से करो। उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब आप मेहनत, लगन से काम करोगे ना, तो आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर और अच्छा होगा। ये फैक्ट है, इसलिए नहीं कि वो कंपनी बढ़ेगी इसलिए काम कर रहे हो, क्योंकि आप जब मेहनत और लगन से काम करते हो ना, तो आपकी एक वो आदत सी बन जाती है वैसे काम करने की, तो आपके करियर की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बस यार दोस्त, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत, एंड बी